है एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बात की शुरुआत करें हम यूएस मार्केट से, जिसमें कल कोरोना वायरस केसेस बढ़ने की वजह से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। डाउ जोन्स 2.29%, S&P 500 1.86% और नैस्डैक को हम 1.64% के डाउनसाइड के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। इसके वजह से आज यहाँ पे एशियन मार्केट में आपको ओपनिंग फ्लैट दिखाई दे सकता है। करंटली SGX निफ्टी 11,794 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को हम 11,834 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो आज आपको मार्केट में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, जिसके बाद हम ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंजल ब्रोकिंग के रिसेंटली अनाउंस्ड क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट अपना पब्लिश किया है। इसके रेवेन्यू में हमें 80.4% का एक अपसाइड देखने को मिला है, जबकि नेट प्रॉफिट में हम इस बार 3.9 टाइम्स एक ग्रोथ को देख सकते हैं। ईबिटा में 3 times ग्रोथ यहाँ पे देखा गया है, जबकि ईबिटा मार्जिन को हम यहाँ पे 21.7% से ग्रो होते हुए 35.7% पे करंटली देख सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पे एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि पर शेयर 4.15 रुपीज है। यहाँ पे कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में अराउंड 5.49 लाख नए क्लाइंट्स अपने ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोरेंट फार्मा के बारे में, तो इसके Q2 रिजल्ट्स में हमें एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस बार हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट हमें इस बार 27% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ हम देख सकते हैं। EBITDA में इस बार 17.4% का एक ग्रोथ को देखा जा सकता है, जबकि EBITDA मार्जिन को हम 27% से 31.5% पे यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। कंपनी का कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि घटने के वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट और मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जबकि इंडिया रेवेन्यू में इस बार 7% का एक ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। US रेवेन्यू में इस बार 14% का एक डिक्लाइन दिखाई दिया है, जबकि ब्राजील के रेवेन्यू में हम 18% का एक डाउनसाइड को देख सकते हैं, जबकि जर्मनी यहाँ पे 4% के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ हमें यहाँ पे 261 करोड़ का एक रेवेन्यू जनरेट होता हुआ हमें देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ADR लेवल्स के बारे में बात करें, तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आज आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम कैश मार्केट में यहाँ पे FIIs और DIIs बोथ साइड से यहाँ पे नेट कैश आउटफ्लो को यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो आज आपको PVR, टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील और बजाज ऑटो जैसे कुछ स्टॉक्स में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम मार्केट आउटलुक की ओर देखें, तो यहाँ पे आपको कोफोर्स के केस में एक FNU बैंड देखने को मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पे अलग कुछ स्टॉक्स जैसे कि स्कॉट्स, नालको, वेदांता और वोडाफोन आइडिया जैसे कुछ स्टॉक्स में आज आपको FNO बैंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे निफ्टी की पुट कॉल रेशियो यहाँ पे 0.85 पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट अगर आपको आज फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे, तो बाद में इसमें थोड़ी सी यहाँ पे साइडवे ट्रेंड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मंथली एक्सपायरी को देखें, तो अभी भी मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें दिखाई देता है। कॉल साइड पे हम इसे 12,500 और पुट साइड पे करंटली हम इसे 10,500 पे यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिव ऑप्शन में हम 11,900 को एज ए पुट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, और इसी लेवल पे ही हमें एक कॉल लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए हमारे लिए 11,800 का लेवल काफी क्रूशियल है। तो अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 11,900 के करीब यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो अगर आप हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप चाहें तो उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली अगर हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज की ओर देखें, तो यहाँ पे कोफोर्ट जो प्रमोटर एंटिटी है हर्स्ट बीवी, उन्होंने यहाँ पे बोथ NSE और BSE में मिला के 38 लाख शेयर्स अपना सेल कर लिया है, जिसके वजह से आज आपको मार्केट आर्स में इस स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें भारती एयरटेल के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे अपना एक बिजनेस क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट में उतार चुकी है, जिसका करंट वैल्यूएशन यहाँ पे $1 बिलियन यहाँ पे बोला जा रहा है। इस बिजनेस का नाम यहाँ पे एयरटेल IQ बोला जा रहा है, जिसकी मदद से कंपनी आगे जाके अपने रेवेन्यू में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ला सकती है। यहाँ पे अगर हम
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स में कंपनी ने एक हायर प्रॉफिट को पोस्ट किया है जो कि लास्ट ईयर के 251.8 करोड़ के मुकाबले 303.5 करोड़ पे यहाँ पे देखा जा सकता है। कंपनी का AUM लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के करीब यहाँ पे बढ़ा है, जो कि लास्ट ईयर 72,732 करोड़ था वो इस बार 81,682 करोड़ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आज आपको मार्केट आर्ट्स में भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, ICICI प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, हमारा राजा बैटरी, कैस्ट्रोल इंडिया, सीएट, जेम फाइनेंशियल, सुवेन लाइफ और SKF इंडिया जैसे कुछ स्टॉक का Q2 रिजल्ट्स अनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आज आपको IRCTC का IGM मीटिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जिसमें गवर्नमेंट ऐसे कुछ मर्चेंट बैंकर का नाम यहाँ पे सजेस्ट कर सकती है, जिसके मदद से अगले आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये अपना जो स्टेक है वो IRCTC में डाइवर्ट कर सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं NTPC के बारे में, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स November 2nd को यहाँ पे एक बायबैक प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं, तो अगले आने वाले 2 से 3 दिन स्टॉक के लिए थोड़ा सा वोलाटाइल रह सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बेसिलरी बॉन्ड्स यहाँ पे जारी करने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैंक को मार्केट से 5000 करोड़ का एक फंड यहाँ पे रेज करने का मौका मिल रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इंट्राडे स्टॉक वॉचलिस्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जाके चैनल के वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।